इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।
अनुभव आज नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर चतुर्थ दिवस आप सभी ने श्री भक्तांबर महामंडल विधान की आराधना को संपन्न करने का प्रयास किया। मैं अक्सर एक बात हमेशा कहता हूँ कि आज यदि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा कोई मंत्र का उच्चारण होता है तो वह है लमोकार मंत्र। हर घर में हर बच्चे बच्चे को लमोकार मंत्र आता है, और यदि लमोकार मंत्र के पश्चात आज वर्तमान के समय में जैन धर्म में घर में सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ा जाता है तो यह है भक्तामर स्तोत्र। कि लमोकार मंत्र के बाद आज जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महिमा किसकी हो गई है? भक्तामर स्तोत्र की हो चुकी है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, चल जाएगा। मंत्र करिए, तंत्र करिए, यंत्र करिए, चल जाएगा, लेकिन जीवन में कभी भी किसी के साथ षड्यंत्र मत कीजिए। मंत्र करोगे कल्याण होगा, तंत्र करोगे कल्याण होगा, यंत्र करोगे कल्याण होगा, लेकिन षड्यंत्र करोगे तो ना तुम्हारा कल्याण होगा ना सामने वाले का कल्याण हो सकता है। किसी के मुख पर कालिक पोतना हो तो सबसे पहले अपने हाथों को काला करना पड़ता है, जब जाकर किसी के मुख पर कालिक पोतती है तो विचार करिए दोनों पर एक शरीर में कालापन आ जाएगा। तो भक्तांबर जी की महिमा अचिंता है, अनुपम है, सुंदर है, विश्वविख्यात है। भक्तांबर जी की महिमा, उपमा, गरिमा क्या कही जाए, क्योंकि जो उपमा से रहित है वह भक्तांबर स्रोत है, जो गरिमामय है वह भक्तांबर स्रोत है, जो सम्माननीय है, पूजनीय, वंदनीय है वह भक्तांबर स्रोत है। और इसी भक्तांबर की आराधना आज अपने अपनी साधना के साथ, अपने भावों के साथ यहाँ पर करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, क्रिया कोई भी हो लेकिन भाव सहित होगी तो उस क्रिया का एक अलग फल होता है, और भाव रहित होगी तो उस क्रिया का कोई भी फल नहीं होता। क्रिया करने वाला, क्रिया करते समय और क्रिया को करवाते समय इंसान का चेहरा कैसा होना चाहिए? यदि आप सुंदर भावों से क्रिया कर रहे हो लेकिन मन में थकान है, चल जाएगी, लेकिन आपके चेहरे पर थकान है तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आपका चेहरा भगवान की भक्ति करते समय, गुरु दर्शन करते समय, जिनवाणी का पठन करते समय ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने से कोई निकल कर जाए तो उसको लगे कि मैं कैसा पापी आदमी हूँ कि कितना मुस्कुरा कर भगवान की पूजन कर रहा है और मैं भगवान की पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप समझ के चलना कि आपका भगवान की दर्शन पूजन करना सफल हो जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ जो भगत मेरी चैनल के माध्यम सुनते हैं, कि जब मंदिर से घर जाओ तो ऐसे मत जानना कि 3 घंटे हो गए बड़ी भूख लग गई। मंदिर से जब घर जाओ तो ऐसा मत करना कि घर में थाली आए और भूखे टूट पड़ो एकदम। टूट पड़ने के बाद क्यों बोले 3 घंटे से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं, बल्कि मंदिर से घर जाओ तो ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते घर जाओ कि घर में जो तुम्हारा भाई, घर में जो तुम्हारा पड़ोसी, घर में तो तुम्हारा रिश्तेदार मंदिर नहीं जा पाया उसको तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर लगे, अरे मेरे अंदर जीवन में बहुत बड़ा पछतावा हो गया जो आज मैं इसके साथ मंदिर नहीं गया। आपके यहाँ रिश्तेदार आते हैं, आपके मेहमान आते हैं, आप उनको घुमाने के लिए पिक्चर हॉल ले जाते हो, खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाते हो, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े सच्चे भाव से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, रात्रि में कहीं घूमने जा रहे हो चल जाएगा, भोजन करने कहीं पर जा रहे हो चल जाएगा, लेकिन कम से कम प्रातःकाल उठने के बाद अपने रिश्तेदार को जिन मंदिर के दर्शन कराने लेकर जाओ उसको लगेगा कहीं ना कहीं मैं मानवता में आ गया। लेकिन मैं देखता हूँ जब कोई रिश्तेदार आने वाला होता है, नातेदार आने वाला होता है, तो लोग कहते हैं महाराज जी कल मैं आहार में नहीं आ पाऊँगा, कल मैं आहार में नहीं आ पाऊंगी। मैंने पूछा क्यों? बोले मेरे यहाँ एक रिश्तेदार आने वाला है। ऐसे एक साथ हुआ, एक संत के यहाँ पर कोई महिला डेली आहार दिया करती थी, कोई पुरुष डेली भगवान जी का अभिषेक किया करता था। अगले दिन वो आया, बोले महाराज जी कल हम नहीं आ पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं। महाराज बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ कल रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके लिए सेवा करूँगा, उनके भोजन की व्यवस्था बनाना है, उनको लेने जाना है, तो कल के लिए छुट्टी दे दी, क्षमा चाहता हूँ। महाराज बोले कोई बात नहीं, ये तो अपने भाव है। लेकिन अगले दिन हुआ ये कि वह आदमी जो रोज शाम को सुबह सात बजे आता था, 6 बजे से मंदिर आ गया। महाराज ने पूछा आज क्या हुआ, भाव बदल गए क्या?
लोग बोले महाराज जी रिश्तेदार को लेने जा रहा है। बोले नहीं महाराज जी ये बात नहीं है, मुझे मालूम चला कि जो मेरा रिश्तेदार आ रहा है वह तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, उसने कह दिया मैं पहले मंदिर जाकर अभिषेक करूंगा, महाराज जी को आहार दूंगा, उसके बाद में ही आकर घर में भोजन करूंगा। तो मेरी पत्नियों मैंने सोचा कि जो व्यक्ति खुद महाराज जी के दर्शन करने आ रहा है और हम उनके चक्कर में अपने दर्शन क्यों छोड़ें, तो हम भी मंदिर आ गए। हो सकता है कि आपका रिश्तेदार भी मंदिर जाने वाला हो लेकिन आपके चक्कर में वो घर में चद्दर ओढ़ के सो जाता है। बोले जब घर वाला ही नहीं जा रहा है तो हम क्या जाएंगे। आपके घर में यदि कोई मेहमान आ रहा है, आपने उसको खाने में पूरी दी है तो आपसे पराठे की अपेक्षा नहीं करता है, जो मिलता है खा लेता है। मेहमान समझते हो, मेहमान समझते हो? किस क्या होता है, कौन होता है मेहमान? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है। मेहमान वह होता है जो हमारे घर में आता है और जिसके लिए व्यंजन बनते हैं, तरह तरह के 56 भोग लगते हैं, वह मेहमान आता है। और वैसे एक बात बताता हूं, इस संसार की जो व्यवस्था है ये 56 भोग मेहमान के लिए नहीं लग रहे हैं, ये तो सिर्फ इसलिए लग रहे हैं कि उसके घर पर जब मैं गया था तो उसने भी मुझे बहुत तरह तरह से खिलाया था तो उसके बदले में मुझे भी खिलाना है, इसलिए मेहमान को भोग लग रहे हैं। मैं शादी ब्याह में जाता था बचपन में, जब शादी में जाता था तो मैं देखता था एक काउंटर पे कुछ लोग लिफाफे रख के पैसे लिखते रहते थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन अब समझ में आने लग गया क्यों लिखते थे। वहां पर काउंटर लगा रहता था, लोग जो देते थे वह लिफाफा वहां पर जाता था, लिफाफे निकालते थे, नाम लिखते थे। अब मुझे समझ में आता है कि वह पैसे का नाम क्यों लिखते थे। अब समझ में आता है कि जो ले रहा है उसको मालूम होता था कि मुझे उसको देना भी तो है। दिल्ली में था मैं अभी, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी 2 दिन थोड़ा दिवाली के रस है, मिठाई के डिब्बे बांटने जा रहा हूँ, ऑफिसर को बांट रहा हूँ, कर्मचारी को बांट रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक काम करना, जो तुम मिठाई के डिब्बे बांट रहे हो उसके नीचे 2 बार एस लिख देना। तो बोले बोले महाराज जी इससे क्या होगा। मैंने कहा लिख दो कोई बात नहीं है, लिख दिया उसने। फिर संध्या काल में आया, मैंने कहा मिठाई के डिब्बे बांट दिए, नाम लिख। बोले हाँ, इसके पहले मैं कुछ बोलता उसने पहले ही बोल दिया। बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं कैसा जमाना चल रहा है। मैंने क्या बोले, जो मिठाई के डिब्बे एस नाम के थे कई डिब्बे तो 4 बार मेरे पास वापिस आ गए, कई बार मिठाई के डिब्बे वही वापिस आ गए कि आपने उसको दिया उसने उसको दिया और वापिस घूम फिर के मिठाई देने वाले को आ गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि नाम लिखवाने का यही कारण था कि तुमको मालूम तो चले कि तुम्हारी मिठाई तुम्हारे पास ही वापिस आ रही। और यहां पर यही हो रहा है, जैसा खिला रहे हैं कि ऐसा अच्छा अच्छा खिलाएंगे तो हमें अच्छा अच्छा खाने का। अरे ये मेहमान नहीं होता है, ये मेहमान नकली मेहमान है सारे। असली मेहमान कौन है? असली मेहमान तो वे होते हैं जो भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन मुनि महाराज के घर में, मुनि महाराज के रूप में आपके घर में आते हैं और उस तरह तुम ना जाने क्या क्या बनाते हो लेकिन कोई अपेक्षा नहीं करते कि मुझे महाराज के पास जाऊंगा तो खाने मिलेगा क्या, कोई अपेक्षा नहीं। तो असली मेहमान का स्वरूप यदि कोई है तो भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन चलते फिरते दिगंबर संत हैं। ये वह पावने होते हैं जो जिसके घर पर आ जाते हैं उसका घर पावन हो जाता है। ये मेहमान वह होते हैं कि जिसके घर में आ जाते हैं उस घर वाले का सम्मान बढ़ जाता है, उसका जीवन में से अपमान मिट जाता है। आपके घर में यदि कोई मुनि आता है तो बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो पूछता है मैं आहार देने आ जाऊं क्या। वैसे तो लोग शादी में बुलाएं तो लोग नहीं जाते लेकिन किसी महाराज का घर पर आगमन हो गया तो सारे लोग आपके यहां पर आना चाहते। क्यों? क्योंकि यह मेहमान है जो आपका मान बढ़ाते हैं, आपका सम्मान बढ़ाते हैं, आपको अपमान से बचाते हैं। अन्यत्र मेहमान तो क्या है, आ रहा है और जा रहा है। आपको समझाना चाह रहा था कि जो मेहमान होते हैं वह आपका मान सम्मान अपमान सबको समाप्त करके आपको स्वाभिमान बढ़ाने वाले होते हैं, अभिमान को चकचूर करने वाले होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अभिमान मत करो, स्वाभिमान करोगे चल जाएगा। तो जो महावीर के लघुनंदन के रूप में आपके घर में आते हैं और आते नहीं हैं, समझ लेना आते नहीं हैं, आप जब अनुनय करते हो विनय करते हो प्रगान करते हो उसके बाद में आते हैं और आने के बाद में भी पहले पूजन पाठ प्रसन्न नमन करते हो और उसके बाद बोलते ये छोड़ोगे तो आहार लूंगा तो आप छोड़ते भी हो उसके बाद आहार देती हो। क्यों? क्योंकि ये जो मेहमान हैं वह मेहमान किसी के नहीं, वह तो भगवान के रूप में एक बार मेहमान बनकर आते हैं और जीवन का कल्याण करने के लिए आता है। आज यहाँ पर एक कल वहाँ परसों कहाँ होगे पता नहीं। तो जीवन में आज आपने भक्तंबर जी की आराधना को किया, भक्तंबर जी की आराधना आपके सब संकटों को दूर करेगी ये मैं नहीं जानता,
क्योंकि भक्तांबर पढ़ने से संकट दूर होते, तो सबसे पहले मेरे संकट दूर होते, इनके संकट दूर होते, आपके संकट दूर होते। भगवान के भक्तांबर पढ़ने से, भक्तांबर की महिमा से संकट दूर होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन इतना मैं दावे से कहता हूँ कि शुद्ध मन से भक्तांबर पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में कभी संकटों का आगमन ना हो। दूर होंगे कि नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले नवीन संकट आपके जीवन में प्रवेश ही ना करें। ऐसी पूजा विधान आराधना आपके जीवन में आपको फलदायी होती। लेकिन आज समस्या ये है कि हम चाहे भक्तांबर की आराधना हो, चाहे भगवान की आराधना हो, चाहे गुरु की उपासना हो, चाहे जिनवाणी की साधना हो, इसको करते तो हैं लेकिन मिश्रित भावों से करते हैं। ये मान के चलना कि तन शुद्ध नहीं है, धन भी शुद्ध नहीं है। यदि शुद्ध है तो आपका मन वचन काय जो शुद्ध होता है, तन धन मन का शुद्ध होता है, तो आपका जो तन है, मन है, वचन है, काय है, आदि आदि पता नहीं क्या क्या कितने तरह की शुद्धि होती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय तो आपको पता है कैसी है और मन कैसा है आपको पता है, लेकिन जो आपका वचन है उसको तो शुद्ध बोलकर बोलिए। आज भारत देश में जितने भी जैनी हैं वह पानी छान छान कर पी रहे हैं, और मैं जब जैनियों को पानी छान छान कर पीते देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब जैनियों को पानी छान छान कर पीते देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं पारसनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान पारसनाथ, ये जैनी जिस तरह से पानी छान छान कर पी रहे हैं, इस प्रकार से इनको ऐसी बुद्धि देना कि ये वाणी को भी छान छर कर बोलें, अपनी जबान से जो शब्द निकालें वह छान छर कर निकालें, तो संसार में सारे जीवन में कठिनाई समाप्त हो जाएंगी। पानी छान कर पीते हो लेकिन वाणी अनछनी बोली जा रहे हो तो कैसे कल्याण होगा। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आया, बड़े बार बार बड़ी भक्ति से ढोक लगा रहा था, बड़े भक्ति से सिर लगा रहा था, बड़े भक्ति से सिर लगा रहा था, मुझ जैसे संत से रहा नहीं गया। बोले क्या बात है भाई, तुम तीन बार उठते हो तीन बार सिर लगाते हो, पांच बार उठते हो पांच बार सिर लगाते हो, बड़ी भक्ति है तुम्हारी। बोले महाराज जी थोड़ी सी भक्ति कर लेता हूँ। महाराज बोले ऐसी क्या भक्ति करते हो। कई मंदिर ऐसे होते हैं कि आपको जैसे यहाँ से सीधा बाहर तक का दिखता है, ऐसे मंदिर बहुत सारे होते हैं रस्तों पे। बोले क्या भक्ति कर रहे थे, बार बार पूछा तो बोले महाराज जी भक्ति भक्ति तो मुझे कुछ आती नहीं है, मंत्र नमोकार में ज्यादा जानता नहीं हूं, भक्तांबर कल्याण मंदिर पढ़ना नहीं जानता हूं। तो महाराज बोले ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि बार बार सिर क्यों लगा रहे थे। बोले महाराज जी बार बार सिर इसलिए लगा रहा था कि आज ही मैंने नई गाड़ी खरीदी है और चाबी लाना भूल गया था, बार बार सिर लगा के देख रहा था मेरी गाड़ी चोरी तो नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी तो चोरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं सिर बार बार टेक रहा था। और लोग सोच रहे कितना धर्मात्मा है, इस तरह से हम कहीं टिक तो नहीं रहे हैं। अपने जीवन कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली,